नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा प्रकृति ने जो हमें पेड़ पौधा दिया है, उन्हीं पेड़ पौधा में एक है बेल, जिसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इंसानों और मनुष्यों और पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। एक कैंसर जैसी रोग को भी खत्म करने का क्षमता रखता है। बेल के पत्ते किसी भी प्रकार के मनुष्यों में अगर सिर दर्द हो तो सिर दर्द में बेल के पत्ते के रस के पट्टी बांधने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा, या बेल के पत्ते का रस निकाल कर पीने से कितना भी पुराना सर दर्द ठीक हो जाएगा। मोच अथवा अंदरूनी चोट में भी बेल के पत्ते को पीसकर थोड़े गुड़ में मिलाकर पकाएं। हल्के गर्म रहने पर ही मोच अथवा अंदरूनी चोट वाले स्थान पर बांध दें या लगा लें, जिससे मोच या चोट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेलपत्र ज्वरनाशक, वेदनाशक, कृमिनाशक, संग्राही, सूजन उतारने वाला होता है। यह बेलपत्र हृदय मस्तिष्क को बल प्रदान करता है। इसके उपयोग से शरीर की अभ्यांतर शुद्धि हो जाती है, शरीर को पुष्ट व सिडोल बनाता है। इसके सेवन से मन में सात्विकता आता है। बेलपत्र से मुंह के छाले को सही किया जा सकता है। बेलपत्र के रस पीने से सांस से जुड़ी बीमारियां सही हो जाती है। बेल के कुछ पत्ते लेकर उन्हें साफ कर लें, फिर इन पत्तों को पानी में उबाल लें और इस पानी को छान लें। यह नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो बीपी, हृदय रोग और लीवर संबंधित रोग में, गैस में, कब्ज में फायदेमंद होता है। गाय को सिर्फ सीधे रूप में पत्ते खिलाने से भी कई रोग या बीमारियां खत्म हो जाएगा और खून भी साफ हो जाएगा और दूध की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आएगा। बेल में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी को सी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो जाता है। बेल के पत्ते कैंसर रोधी होते हैं। पत्ते खाने से मनुष्यों और पशुओं को कैंसर से बचाता है। यह किसी भी प्रकार के सूजन में भी कारगर है। यह एंटीऑक्सीडेंट है, एलर्जी को ठीक करता है, पेट संबंधित बीमारी भी ठीक करता है। गर्मियों में मनुष्यों या पशुओं की डायरिया की समस्या आम होती है। ऐसे स्थिति में होने वाली उल्टी, दस्त, जी मिचलना में बेल के गुद्दे पानी में मिलाकर जूस बनाकर पीने से ठीक हो जाता है। मनुष्यों या पशुओं को गर्मियों में लू लगने पर बेल के ताजे फल और पत्ते को पीसकर पूरे शरीर में लगा लें, किसी भी प्रकार का लू ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद में बेल को स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार पका हुआ बेल मधुर, रुचिकर, पाचक तथा शीतल फल है। कच्चा बेलपत्र, बेलफल रूखा, पाचक, गर्म, वात कफ, शूलनाशक, आंत रोग में उपयोगी होता है। बेल के गुद्दा सुखाकर, बीज निकालकर उसका चूर्ण बनाकर सेवन करने से उदर विकारों में बहुत ही फायदेमंद है, या रामबाण दवा है। दोस्तों, बेल के फल के नियमित उपयोग से कब्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। मनुष्यों में गैस या कब्ज का समस्या पशुओं में भी आम बात हो गया है।
इस समस्या से निजात पाने के लिए बेलपत्र के जूस पीने या बेल का फल खाने से यह रोग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बेल पत्तियों का रस डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। डायबिटीज रोगियों को दिन में 2 बार बेल पत्र का जूस जरूर पीना चाहिए, जो दिल से जुड़ी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। साथ में बेल पत्र के और फल के इस्तेमाल से कुछ हद तक आपको जो खूनी बवासीर में भी फायदेमंद है। धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म।